हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एलकेजी का सिलेबस, जो कि इस सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं सब्जेक्ट डिस्कस करूंगी इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस के बारे में। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से कि इस सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सेशन 2024 से लेकर 2025 तक, मीन्स लेटेस्ट सेशन की हम बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों ही सिखाए जाते हैं ए टू जेड, और इसके साथ साथ बच्चों को सिखाया जाते हैं फोनिक साउंड्स। नेक्स्ट आता है वॉवल्स। बच्चों को वॉवल्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि पता ही है ए ई आई ओ ई ओ यू, इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी और वर्कशीट्स में डिस्कस भी किया हुआ है, वीडियोस में भी मैंने शेयर की हुई है ये सारी चीज़ें। तो वॉवल्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद वर्ड मेकिंग, जैसे टू वर्ड्स फ्रॉम बिगनिंग लेटर्स, कोई भी टू वर्ड्स का हम वर्ड मेकिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे ऑफ, टू, मी, वी, तो टू वर्ड्स के साथ साथ हम टू लेटर्स का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद वॉवल साउंड वर्ड्स, वॉवल साउंड वर्ड्स भी सिखाए जाते हैं, जिनको हम राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे कैट, रैट, सैट, मैट। तो इसमें क्या हो रहा है, ए टी की साउंड आ रही है, तो इस तरीके से वॉवल्स को लर्न कराया जाता है। उसके बाद आता है वन एंड मैनी। वन एंड मैनी का मतलब हो गया सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर जैसे बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स, क्लास का क्लासेस, तो एस और ई एस दोनों का हमें इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों वर्ड्स की जानकारी देते हैं। उसके बाद आता है इज, एम, आर, इन सभी का यूज़ कराया जाता है, जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, आई एम अ गुड बॉय, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो ये सब क्या है, इज, एम, आर के यूजेस हैं। उसके बाद सिखाया जाता है दिस, दैट, दीज, दोस, ये सभी बताए जाते हैं। दिस और दैट ये दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, दीज और दोज किसके लिए यूज़ होते हैं, प्लूरल के लिए। इसमें हम डायरेक्शन का मतलब बताया जाता है, क्योंकि दिस जो होता है वो नज़दीक ऑब्जेक्ट के लिए और दैट जो है वो दूर के लिए, तो यही सब चीज़ें डिस्क्राइब कराई जाती हैं। उसके बाद आता है अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, सैड, अप, डाउन, फार, नियर, लॉन्ग, शॉर्ट, हैवी, लाइट, इस तरीके से। और भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे फुल, एम्प्टी, इन, आउट, क्लीन, डर्टी, बिग, स्मॉल, फैट, थिन, इस तरीके से बच्चों को अपोजिट वर्ड जो है वो लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें यूज ऑफ ए एन एंड, यहाँ पर ए और एन का यूज़ कराया जाता है। ए कॉन्सोनेंट लेटर्स में यूज़ होता है और एंड जो है वो वॉवल्स के साथ यूज़ किया जाता है। एंड हमारा जैसे हमें वन एंड टू मेक्स थ्री, इस तरीके से हमें मतलब जहाँ पे एंड हम लगाएंगे वो सब बताया जाता है। यूज़ ऑफ ही, शी, आई, हिज, हर, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताते हैं कि ही, शी, आई, हिज, हर हम कहाँ पर और कौन से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर, नियर, फार, तो ये सब भी क्या है, प्रीपोजिशंस हैं जो हम यूज करते हैं सेंटेंस के बीच में, जिनके बिना सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता है, तो इनको भी बताते हैं। नेक्स्ट आता है डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर। डेज ऑफ द वीक कौन से होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नेक्स्ट मंथ्स नेम कौन से होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च टू दिसंबर, ये सारे बच्चों को लर्न कराए जाते हैं और लिखना भी सिखाया जाता है। उसके बाद ऑल स्ट्रोक्स, रिवीजन, पैटर्न्स और ड्राइंग्स। स्ट्रोक्स रिवीजन इसलिए कराए जाते हैं जिससे कि बच्चों की जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो सके, और किस तरीके से बच्चों को पेंसिल को मूव करना है, कर्व कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें रिवाइज कराई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सब्जेक्ट ईवीएस। ईवीएस में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है माई सेल्फ। बच्चों को माई सेल्फ मीन्स अपना इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें लर्न कराई जाती हैं। उसके बाद कॉमन फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स नेम कॉमन का मतलब हो गया यहाँ पर, जैसे सीडलेस, वन सीड, मैनी सीड, ठीक है,
तो वो सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। जैसे वन सीड वाला हमारा फ्रूट कौन सा होता है, मैंगो होता है, इस तरीके से। उसके बाद कॉमन वेजिटेबल्स नेम, जैसे अंडरग्राउंड, लीफी और गार्ड, ये सब कराए जाते हैं। नेक्स्ट फ्लावर्स नेम बच्चों को लर्न होने चाहिए। उसके बाद एनिमल्स नेम, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल और वाटर एनिमल, तीनों का डिफरेंस और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं वो सब बताते हैं। उसके बाद एनिमल्स एंड देयर बेबी, ठीक है, जैसे डॉग का पप्पी होता है, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। एनिमल्स एंड देयर होम, एनिमल्स साउंड नेम्स, इनके साथ साथ कौन सा एनिमल कौन सी जगह पर रहता है, उसके होम को क्या कहते हैं, वो सब भी बताते हैं। उसके बाद एनिमल्स साउंड नेम, कि हर एक एनिमल की अलग अलग साउंड होती है, वो सारी चीजें इसमें लर्न कराई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल का जो होम है, जैसे काऊ का होता है, काऊ किस कहाँ रहती है, शेड में रहती है, ठीक है। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में रहता है, तो इस तरह से बच्चों को लर्न कराते हैं। और साउंड नेम हम कह सकते हैं, जैसे जैसे कैट है, कैट की साउंड क्या होती है, म्यू, म्याऊ करती है वो, तो इस तरीके से लर्न कराया जाता है। उसके बाद कॉमन वर्ड्स, कॉमन बर्ड्स में हाई फ्लाई और फ्लाइटलेस, जैसे कि कौन सा पक्षी जो है वो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है और कौन से पक्षी उड़ नहीं सकते, इन सब का डिफरेंस सिखाया जाता है। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से आते हैं, लैंड, वाटर और एयर, तो जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सारे इसमें लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट आवर हेल्पर्स, हेल्पर्स आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे डॉक्टर, पुलिसमैन, कोबलर, कारपेंटर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, वो सारे इसमें लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स नेम लर्न कराए जाते हैं और सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स जैसे आई, ईयर, नोज, ठीक है, टंग, स्किन, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बाकी के पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। उसके बाद नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स, बच्चों को नेशनल एनिमल सॉरी नेशनल फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे 26 जनवरी जो होता है वो नेशनल फेस्टिवल है हमारा, रिपब्लिक डे, ऐसे ही 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे के नाम से जाना जाता है, तो वो हमारे क्या है, नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, तो इस तरीके से। और रिलीजियस फेस्टिवल जैसे दिवाली, होली, ईटीसी, तो ये सारे इसमें इंट्रोडक्शन कराए जाते हैं। उसके बाद नेशनल सिंबल्स कौन कौन से होते हैं वो सब इसमें सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट नेम, बच्चों को इंसेक्ट्स के नेम भी लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स कौन से होते हैं जो हम घर में खेलते हैं, और आउटडोर गेम जो घर से बाहर खेले जाते हैं। इंडोर में जैसे लूडो, कैरम, ठीक है, और आउटडोर गेम में जैसे क्रिकेट, हॉकी, ये सारे आउटडोर गेम होते हैं। उसके बाद बच्चों को सेफ्टी रूल्स सिखाए जाते हैं, माई स्कूल, माई होम, इनके बारे में 10-10 lines बच्चों को लर्न कराई जाती हैं। गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स क्या होते हैं वो भी बताया जाता है। उसके बाद कलर्स नेम, प्राइमरी कलर्स जैसे रेड, ब्लू, येलो, इन सब की स्पेलिंग्स और उनका पहचान, ये सब कराई जाती है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट हिंदी, सबसे पहले बच्चों को स्वर के बारे में सिखाया जाता है, अ से अंगे तक स्वर याद होने चाहिए, लिखने भी आने चाहिए। उसके अलावा व्यंजन, कै कबूतर से ज्ञ ज्ञानी तक। उसके बाद बच्चों को लर्न कराए जाते हैं दो अक्षर वाले शब्द, जैसे कैल है कल, नैल है नल, फैन है फन, तैन है तन, इस तरीके से। उसके बाद 3 अक्षर वाले शब्द जैसे कै मैल है कमल, मै टैर है मटर, भय वैन है भवन, नयन है नयन, तो आप भी इस तरीके से 3-3 अक्षर लेकर सिखा सकते हैं। 4 अक्षर वाले शब्द शरबत, बर्तन, सर्कस, बचपन, इस तरह के जो होते हैं वो 4 अक्षर वाले होते हैं। अक्षरों को जोड़कर लिखना भी आना चाहिए, क प्लस ल, इसको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, कल, मैं टैर मटर, इस तरीके से। चित्र के नाम लिखें, चित्र को देखकर उसका चित्र पहचान कर उसका नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है कलश, कैलश है कलश, यहाँ बना हुआ है हल, तो इस तरीके से। उसके बाद रिक्त स्थान भरें, जैसे यहाँ पर गै रे मैं गरम, फैल है फल, तो ये क्या है, रिक्त स्थान। तो हमने बच्चों को पहले वर्ड्स सिखाने हैं, शब्द बनाने सिखाने हैं, उसके बाद ही हम ये दे सकते हैं।
उसके बाद ओरल और रीडिंग, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम और सब्जियों के नाम, ये सारे भी हिंदी के सिलेबस में कवर किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, क्लियर है कि बच्चों को हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ओवरऑल LKG का पूरा सिलेबस हम इजीली कवर कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और EVS के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ्स का और GK का सिलेबस कवर करने वाली हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।